बड़ी खबर आ रही है रिलेटेड टू सुशांत सिंह राजपूत ड्रग केस। दीपेश सावंत का भी नाम सामने आया है। ये एक चौंका देने वाली खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। मैंने आपको बताया था कि 14 तारीख को बेल एप्लीकेशन पर हियरिंग हुई, लेकिन रिजेक्ट कर दी गई एनडीपीएस कोर्ट द्वारा। जज डीबी माने का कहना है कि ट्रांजैक्शंस किया गया है जो कि प्रूफ प्रोवाइड किया गया है एनसीबी द्वारा अगेंस्ट सिद्धार्थ पिठानी एंड दीपेश सावंत। ये एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है, क्योंकि इस मामले में कहा जा रहा है कि ट्रांजैक्शंस जो कि किया जाता था दीपेश सावंत और पिठानी द्वारा, और बैंक एप्लीकेशन में पेमेंट्स के दौरान कोड वर्ड यूज किया जाता था पूजा सामग्री का, तो क्या आने वाले दिनों में दीपेश सावंत को भी एनसीबी अरेस्ट कर सकती है, ये देखना और समझना होगा। हालांकि तारिक सैयद ने आर्ग्यू करते हुए कहा कि जिस तरह से आर्यन खान मामले में आर्यन खान के हाथ से या आर्यन खान से कोई भी इस तरह का ड्रग मटेरियल नहीं मिला था, पिठानी के पास भी इस तरह से कोई भी रिकवरी नहीं हुई है, तो क्यों ना सिद्धार्थ पिठानी को बेल एप्लीकेशन पर बेल दी जाए। लेकिन इस मामले में कोर्ट ने साफ कह दिया है कि प्रूफ्स ये जाहिर करते हैं कि आर्यन खान केस और सिद्धार्थ पिठानी सुशांत सिंह राजपूत केस में बहुत डिफरेंस है। सिद्धार्थ पिठानी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में लिप्त पाए गए हैं और इसमें दीपेश सावंत का भी नाम आ गया है, जो कि रिलेटेड टू प्रोक्योरमेंट है, ट्रांजैक्शन है, सेल है, परचेस है, कंजम्पशन है एंड प्रिपरेशन ऑफ द कॉन्ट्राबैंड है। ये बड़ी खबर है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, तो देखना होगा जैसे मैंने पहले भी कहा कि क्या दीपेश सावंत को एनसीबी जल्द इस केस में अरेस्ट कर सकती है। तो फिलहाल इतने, कुछ और खबरों के साथ जल्द जुड़ूंगा।